अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काजिम और आज जो मैं जिस किताब का रिव्यू करने वाला हूं, एक मिनट रिव्यू करने से पहले आपकी जहानत को चेक कर लेते हैं। अब आप गौर से देखें और गौर से सुने, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। एस, मैं कह रहा हूं एस, अब आप भी कहें एस। आई, अब आप भी कहें आई। एल, अब आप भी कहें एल। के, अब आप भी कहें के। एस आई एल के, S I L K, सिल्क सिल्क और सिल्क। अब मेरा सवाल यह है कि आप बताएं कि गायें क्या पीती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काजिम और आज जो मेरे हाथ में किताब है वो किताब है हाउ टू एनालाइज पीपल। ये किताब है डैनियल स्पेट की। इस किताब का जो मौजू है वो ये है कि क्या आप इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, क्या आप मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे, क्या आपको मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा। हाँ, मैंने आपसे सवाल किया था, अगर आपने ये सवाल का जवाब दिया है मिल्क, तो ये जवाब गलत है, क्योंकि गायें जो है वो मिल्क देती है, पानी पीती है, घास खाती है। जरूरी नहीं है कि आपने सवाल का जवाब सही दिया हो या गलत दिया हो, शायद आपने सवाल का सही भी जवाब दिया हो, गलत भी दिया, दोनों हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की बातों में आ जाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा होते हुए देखा है कि आप किसी शख्स के साथ किसी मसले पर बात करने के लिए बैठे हो और आप एतमाद के साथ बात शुरू करें, लेकिन मुलाकात के बाद अब हैरान और परेशान से ये सोच रहे हैं कि आपने उस शख्स की बात कैसे मान ली। किसी शख्स से आपकी मुलाकात होती है जिसमें आप उसका कोई काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाद में आप हैरान और परेशान होते हैं कि आपने उसका काम के लिए कैसे हामी भर ली। असल में हुआ ये कि आप मैनिपुलेट हो गए, यानी किसी ने आप पर असर अंदाज होकर आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है। मैनिपुलेट होते वक्त यूं लगता है कि जैसे आप किसी के अख्तियार में हैं, आपको अपनी सलाहियतों पर शक होने लगता है। मुसलसल मैनिपुलेट होने की वजह से आप खुद मायूस हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि मैनिपुलेटर से कैसे बचना है तो शायद आप उनके हरबों से महफूज रह सकते हैं। आखिर सवाल यह है कि इंसानी दिमाग मैनिपुलेट होने के लिए तैयार क्यों होता है? क्या हमारे दिमाग में लूप होल्स हैं? एक अफराद की राय लोगों के एक गुरु की राय से किस हद तक मुतासिर हो सकती है? वो लोग धोखेबाज होते हैं, अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किसी के एहसास की कोई परवाह नहीं होती, चाहे वो उनका कोई अजीज ही क्यों ना हो। मसनूआत बनाने वाले और उनकी मशहूरी करने वालों की मिसाल ले ले, जो हमें मुसलसल बताते रहते हैं कि ये खरीदो वो खरीदो, ये करो वो ना करो, वो सब किसी न किसी तरह हमारे फैसले को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। यकीनन आपने ड्यू की एड जरूर देखी होगी, अगर ड्यू ना पिया तो कुछ नहीं किया, बहादुर की अलामत है ड्यू। क्या ड्यू तो सिर्फ और सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक है, क्योंकि इतनी बार इश्तेहार दिखा दिखा के आपका दिमाग मैनिपुलेट कर दिया है उन्होंने। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर हैसियत नहीं, हिम्मत देखता है। तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। मैनिपुलेशन के अंदर कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप एक ड्रामे को देखें, पाकिस्तानी ड्रामे को देखें, यानी कि बुलबुले को देखें, 2009 से शुरू हुआ है और आज 2022 चल रही है, 13 साल हो चुके हैं। अगर एक बच्चा 10 साल की उम्र से ये ड्रामा देख रहा है तो आज वो 23 साल का हो चुका होगा, तो 23 साल के अंदर उसके जहन के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। एक बेला शख्स जो कि कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के पैसे पर मज़े करता है और उसी के तरीके से उसका बाप भी यही करता है, क्या कॉन्टेंट दिया जा रहा है लगातार 13 सालों से, और लोग लगातार देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे देख रहे हैं, लेकिन ये कंपाउंडिंग की जा रही है, आपके ज़हनों में आपके लोगों को वेला बनाया जा रहा है। इस किताब का उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आप मज़ीद तफसील हासिल करना चाहते हैं तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं।